हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बच्चों, वेलकम वेलकम, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल में जिसका नाम है एडू लॉन्चर। तो बच्चों, एडू लॉन्चर पे आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशन का, केपलर के लॉज। और केपलर के लॉज बहुत ही आसान रहते हैं जिनको हम रट के जाते हैं, लेकिन उनका फील नहीं ले पाते कि ये केपलर के लॉज है क्या। केपलर की लॉज शुरू करने से पहले हम उन महान व्यक्ति के बारे में जानना चाहेंगे कि कौन थे ये केपलर। तो केपलर जी का नाम है योहान्स केपलर, जिनका जन्म हुआ था 1571 में और जिनकी दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई थी 1630 में। ये एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर थी। व्हाट इज एस्ट्रोनॉमर? एस्ट्रोनॉमर मतलब जो स्पेस रिलेटेड चीजों के बारे में स्टडी करेंगे, होगी। एंड मैथमेटिशियन थे। ही स्टार्टेड वर्किंग एज अ हेल्पर, वो एज अ हेल्पर उन्होंने काम किया टू द फेमस एस्ट्रोनॉमर टाइको ब्राही। इन्होंने फेमस जो एस्ट्रोनॉमर थे उन समय के, टाइको ब्राही, ये उनके गुरु थे, उनके अंडर में काम करना स्टार्ट किया एज अ हेल्पर इन प्राग। ये कब? 1600 की बात है। आफ्टर द सडन डेथ ऑफ ब्राही, अचानक से ब्राही की डेथ हो गई। कब डेथ होगी बच्चों? 1601 में। तो केपलर को अमॉइंट किया गया रॉयल मैथमेटिशियन उनकी जगह पे, इन हिज प्लेस, उनकी जगह ले ली किन्होंने केपलर जी ने। केपलर ने यूज किए ऑब्जर्वेशंस प्लानिटरी मोशंस के, जो कि दिए किसने थे? ब्राही ने। जो कि किसने दिए थे? ब्राही ने, टू डिस्कवर द लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन। और इन्हीं प्लानिटरी मोशन के जो भी डाटा था, ऑब्जर्वेशन था, ब्राही ने लिया था, उसको यूज किया केपलर ने और अपनी बुक्स लिखी। और बुक्स के बाद में फिर अपने तीन जो मेन लॉज है वो दिए। ही रोट सेवरल बुक्स। हिज वर्क वॉज लेटर यूज बाय न्यूटन इन पोस्टुलेटिंग हिज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। केपलर का जो थर्ड लॉ है उसको यूज किया है बच्चों न्यूटन जी ने भी, क्योंकि उनको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी प्रूफ करना था। तो ये चीज ध्यान रखना, इनवर्स स्क्वायर लॉ को प्रूफ करने के लिए न्यूटन जी ने केपलर का थर्ड लॉ यूज किया है। इन महान व्यक्ति को जानने के बाद हम बढ़ते हैं इनके काम की तरफ। तो इनके काम को पढ़ने के पहले पहले हम पढ़ेंगे ई आकृति के बारे में। ई आकृति का नाम क्या है? एन इलिप्स, मतलब एक था इलिप्स, नहीं एक इलिप्स के बारे में पढ़े, एक था नहीं एक है इलिप्स के बारे में पढ़ेंगे सर हम। देखो बच्चों, जैसे आपने सर्कल पढ़ा होगा कि सर्कल के अंदर एक क्या रहता है? सर्कल के अंदर एक रहता है सर, सेंटर पॉइंट। और इस सेंटर पॉइंट से सभी का जो डिस्टेंस है, पेरीफेरी ऑफ द सर्कल, मतलब किनारा जो रहता है सर्कल का जो किनारा रहता है वो सेम 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 रहता है, ठीक है। तो वैसे ही इलिप्स में दो रहते हैं फोकाए, दो रहते हैं फोकाए, जिनको हम मिला के कह देते हैं फोकस। क्या कहते हैं? फोकस। तो दो फोकाए में एक की वैल्यू F1, दूसरे की F2 हम समझ लेते हैं, दो पॉइंट्स F1 F2 समझ लेते हैं। अब एक स्पेशल तरीके की प्रॉपर्टी है इलिप्स की, कि इलिप्स में आप कोई भी अगर पॉइंट लेते हो, जैसे मान लो ये आपने ए लिया, ए को दोनों फोकाई से ऐड कर दिया, तो AF1 प्लस AF2, और ये बी को दोनों को ऐड कर दिया, जोड़ दिया आपने, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, तो BF1 प्लस BF2। फिर आपने कोई पॉइंट ले लिया सी, तो सी को दोनों से ज्वाइन कर दिया, सो CF1 प्लस CF2। और फिर यहाँ आपने डी कोई पॉइंट ले लिया, डी से इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ क्या लिख सकते हो आप? DF1 प्लस DF2। कोई पॉइंट ले लो ई, EF1 प्लस EF2 चलती रहेगा। ये एक स्पेशल तरीके की प्रॉपर्टी है, ये ध्यान रखना। द सम ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ टू फोकल पॉइंट्स फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन द कर्व इज कॉन्स्टेंट। ये लाइन क्या कह रही है? जो हमने यहाँ लिखा, जो हमने यहाँ समझा, कि सम जो है डिस्टेंसेस का दो पॉइंट से, फोकस से, वो हमेशा कैसा रहेगा? कॉन्स्टेंट रहेगा, कॉन्स्टेंट होगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, हम इनके बारे में थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट जो दिया है उसको रीड कर लेते हैं। प्लानिटरी मोशन हैड बीन ऑब्जर्व बाय एस्ट्रोनॉमर्स सिंस एंशियंट टाइम्स। बहुत पहले से ही हमें क्यूरियोसिटी है कि क्या होता होगा इस काले आसमान के ऊपर में, या फिर इन आसमान के ऊपर में, सफेद नीले पीले जो भी आसमान होंगे आपकी, उसके ऊपर में क्या होता है? बिफोर गैलीलियो, गैलीलियो के पहले ऑब्जर्वेशंस ऑफ प्लैनेट,
पोजीशंस वेयर मेड विथ नेकेड आइज, खुली आंखों से ही देखते थे सब लोग कि क्या हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, किधर स्टार्स है, किधर क्या है, ये सब कुछ होते रहता था खुली आंखों से। लेकिन गैलीलियो जी ने क्या किया, बाय 16th सेंचुरी वो सारा डाटा अवेलेबल हो गया प्लेनेटरी मोशंस और पोजिशन से रिलेटेड। योहान्स केपलर ने वो डाटा और आटा दोनों का इस्तेमाल किया। वो डाटा किससे लिया था उन्होंने, अपने गुरु जिनका नाम था टाइको ब्राई, टाइको ब्राई जिनको यूज करके उन्होंने अपने लॉज बनाए। ही नोटिस दैट मोशन ऑफ प्लैनेट फॉलो सर्टन लॉज, जो प्लैनेट्स के मोशन है वो कुछ ना कुछ लॉज फॉलो कर रहे हैं, और इन्हीं को यूज करके उन्होंने तीन तीन लॉज बना दिए। किसके ऊपर, प्लैनेटरी मोशंस के ऊपर। ये चीज ध्यान रखना कि न्यूटन के तीन लॉज किसके ऊपर है, बेस्ड प्लैनेटरी मोशन, प्लैनेट्स के मोशन के ऊपर है। दीज आर नोन एज केपलर्स लॉज, जो कि हम नीचे देखने वाली है अभी, आगे पीछे ऊपर नीचे सब देखने वाले हैं हम अभी। तो इस तरीके का प्लैनेट का ऑर्बिट है, प्लैनेट का ऑर्बिट कैसा है, फोकाई, प्लैनेट का ऑर्बिट इलिप्स है और सन फोकाई पे है, पगलुआ सन फोकाई पे, ठीक है। ई शेप कैसा है, ई शेप का नाम कैसा है, इलिप्स है बच्चा, ई शेप का नाम क्या है, इलिप्स। तो ऑर्बिट जो रहेगा, पहला लॉ तो वही है सिंपल सा कि सभी प्लैनेट्स का जो ऑर्बिट है, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स, सभी प्लैनेट्स का जो ऑर्बिट है वो कैसा है, इलिप्स है, विद द सन, क्योंकि वो सन के अराउंड घूम रहा है तो विद द सन। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई, सन कहाँ पे रहेगा, हमेशा दो फोकाई में से एक फोकाई पे, दो फोकाई में से एक फोकाई पे हमेशा कौन रहेगा, सन। ये शो कर रहा है एलिप्टिकल पाथ, ये पूरा जो पाथ है वो कैसा है, एलिप्टिकल पाथ ऑफ अ प्लैनेट जो कि रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन, सन के अराउंड गोल-गोल घूम रहा है। द पोजीशन ऑफ द सन ऐसे इंडिकेट की गई है। अब देखो बच्चों कि अगर प्लैनेट यहाँ रहता है तो वो सन के बहुत पास हो गया, इस पॉइंट को कहते हैं पेरिहेलियन, पेरिहेलियन क्या कहते हैं, पेरिहेलियन, पेरिहेलियन भाई और बहनों, पेरिहेलियन इसको कहते हैं, पेरिहेलियन। ओके, अब क्या होगा कि अगर जो अर्थ है वो यहाँ रहती है तो ये पॉइंट तो सन से बहुत दूर है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, अपीहेलियन भाई और बहनों, अपीहेलियन इसको कहेंगे, अपीहेलियन। ये हो जाएगा क्लोजेस्ट पॉइंट और ये हो जाएगा फार्देस्ट पॉइंट, ये हो जाएगा फार्देस्ट पॉइंट, सबसे दूर वाला पॉइंट। ओके, पहला लॉ समझ गया होगा बच्चों आपको कि सभी प्लैनेट्स का जो ऑर्बिट का शेप है वो कैसा, एलिप्स विद द सन, सन के अराउंड, और सन हमेशा रहेगा एट वन ऑफ द फोकाई, सन हमेशा रहेगा एट वन ऑफ द फोकाई। ओके, चलो सेकेंड लॉ क्या कहता है वो देखते, लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन। देखिए, लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब इसको समझते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं कि जो लाइन ज्वाइन कर रही है, मान लीजिए प्लैनेट यहाँ था और यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आने के लिए इस प्लैनेट को हम मान लेते हैं दो महीने लगे, और प्लैनेट यहाँ था यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आने के लिए भी प्लैनेट को दो महीना लग गया। अब केपलर जी क्या कहते हैं अपने सेकेंड लॉ में, लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट, प्लैनेट को और सन को ज्वाइन करने वाली जो लाइनवा है, स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका अगर टाइमिंग इक्वल है तो इसका एरिया भी कैसा होगा, इक्वल होगा, एरिया भी कैसन होगा, इक्वल होगा। ये कहते थे केपलर जी, लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, जो लाइन प्लैनेट और सन को ज्वाइन कर रही है वो इक्वल एरिया स्वीप करेगी इक्वल इंटरवल में, इंटरवल तो सेम है दो दो महीने का, इंटरवल अगर सेम होगा तो एरिया भी कैसा होगा, सेम टू सेम। ए बी एंड सी डी, ये डिस्टेंसेस कवर्ड बाय अ प्लैनेट इक्वल टाइम में। ए बी और सी डी को देखें अगर हम, ये ए बी और सी डी, ये क्या है, डिस्टेंस मूव किया प्लैनेट ने तो ये एरिया कुछ आएगा, इतना ही अगर डिस्टेंस इधर मूव हुआ है तो ये भी एरिया सेम होगा। आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम द पोजीशन ऑफ प्लैनेट स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड सी आर शोन बाय बी एंड डी रिस्पेक्टिवली।
जो पोजीशन ए और सी और बी डी ये सब दी हुई है, ये क्या बता रहे हैं हमें? ये प्लैनेट वह गुलगुल घूम रहा है, प्लैनेट गोल गोल घूम रहा है ये, और गोल गोल घूम ही गई ये, मतलब ऑर्बिट में घूम रहा है ये। कैसे घूम रहा है? ऑर्बिट में। और इसका अगर टाइम सेम है, टाइम पीरियड सेम है, मतलब कि ये एरिया भी सेम कवर करेगा, एरिया भी सेम रहेगा। द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम तो बच्चों अब बढ़ते हैं आगे, और आगे दिया हमें तीसरा लॉ। तीसरा लॉ, और तीसरा लॉ ये इंपॉर्टेंट लॉज में आ जाता है क्योंकि बहुत आसान सा लॉ है, यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं, और जब आप 11th स्टैंडर्ड में जाओगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तीसरा ही लॉ होगा। द स्क्वायर ऑफ, देखो ये लर्न करने की जरूरत नहीं है, मैं तो बोलता हूँ कि लर्न करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसा कर लो, इसको ऐसा कर लो, ऐसा लिख लो, आर लिख लो, डी लिख लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता भैया, कुछ भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टी को क्या लिखेंगे? टी क्या होगा? टाइम। कौन सा टाइम? कौन सा टाइम? सन के अराउंड घूमने के लिए लगने वाला जो टाइम है उई। सन के अराउंड घूमने के लिए लगने वाला जो टाइम है उई, तो क्या किया उसका टाइम का स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे? द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, क्योंकि क्या है ये टाइम का स्क्वायर कर दिया हमने। द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, अराउंड द सन, देखो यहाँ दिया है, दिया है, इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सीधा सीधा, नीचे कुछ है क्या, डिवाइड में कुछ है क्या? बिल्कुल नहीं, सीधा सीधा है, तो कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब डिपेंड करता है क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस पे ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस फ्रॉम द प्लैनेट, फ्रॉम द प्लैनेट, क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन, ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। अब देखिए कुछ टेक्निकल चीजें मैं बता रहा हूँ, यहाँ से अगर आप सीधी एक्सिस ऐसे निकालते हो और यहाँ से आप सीधी एक्सिस से निकालते हो, तो ये जो बड़ी लंबी चौड़ी एक्सिस है इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस, और ये जो एक्सिस है इसको कहते हैं माइनर एक्सिस। क्या कहते हैं? माइनर एक्सिस। और ये हो जाएगी ये सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, और ये हो जाएगी सेमी माइनर एक्सिस, सेमी, ये भी सेमी मेजर सर, ये भी सेमी मेजर, ये हो जाएगी सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस। देखो बच्चों सेमी मेजर एक्सिस को हम दिखाते ए से, ए से, तो ये भी हो जाएगा ए, इसको दिखाते बी से तो ये भी हो जाएगा बी, टोटल डिस्टेंस जो है मेजर एक्सिस का वो रहता है 2a, और टोटल डिस्टेंस जो है वो माइनर एक्सिस का रहता है 2b, 2b, ठीक है, ठीक है। और मीन डिस्टेंस क्या होगा ये भी आप अच्छे तरीके से डाल लो कि मीन डिस्टेंस क्या होगा, मीन डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस नहीं, मीन डिस्टेंस क्या है, मीन डिस्टेंस क्या है, इनका एडिशन, इनका एडिशन, या सेमी मेजर एक्सिस डिवाइड बाई 2 आप बोल सकती हो, इनका एडिशन, देखो एक सेकेंड, ऐसा बोल सकते हो ए प्लस, ए प्लस, यहाँ पे जो डिस्टेंस ले रहे हैं हम, एक सेकेंड, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बनाते आ जाएगी, अभी आ जाएगी। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी क्यूब, और टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस, क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस। केपलर ऑब्टेन्ड दिस लॉ सिंपली फ्रॉम स्टडी ऑफ पोजिशन ऑफ प्लैनेट्स, बहुत समय तक केपलर ने उस पर नजर रखा और उसके बाद में प्लैनेट्स को ऑब्जर्वेशन करके ये लॉज दिए रेगुलर ऑब्जर्वेशन से। He had no explanation as why planets obey these laws. Planets क्यों इस तरीके का law follow करते हैं? इसका कोई answer Kepler जी के पास नहीं था। तो इसका answer दिया किसने? Newton जी ने। Newton जी ने answer दिया, वो हम पढ़ेंगे अगली अगली आगे आगे में अगली अगली अपने क्लास में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों, आई होप दिस वीडियो बिकम डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर यू। मिलते हैं अपने अगले क्लास में जिसमें हम न्यूटन जी के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। टाटा बाय बाय।